कौन आता है कौन आता है ये जामुनी गांव है और ये जामुनी गांव के पास ये जहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है इसके ऊपर पे घर था ये जहां से ये आदमी आ रहा है सिविलियन वहां पे घर था तो उसी के नीचे रेस्क्यू किया जा रहा है जो दो लोग नहीं मिले हैं उनको ढूंढा जा रहा है और बाकी जो तीन बच्चे थे वो इधर ये नीचे पे मिले थे जैसे कि सुबह 6 बजे जिलाधिकारी महोदय को सूचना मिली और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरे जिले के अधिकारियों को और पुलिस को एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सबको एक्टिव किया। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से सब मौके की ओर और जहाँ जहाँ ड्यूटी उनको करनी थी वहाँ रवाना हुए और जो मौके पे जाकर के जो सूचना प्राप्त हुई उसमें से 7 लोग सुबह लापता थे। 7 के अरेस्ट, 5 डेड बॉडी रिकवर हो गई है या 2 अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब मौके पर ही है, हेलीकॉप्टर से वो गाँव में जुम्मा हेलीपैड पहुँच गया और वहाँ से पैदल 4 से 5 किलोमीटर पर गाँव तक निकल गए हैं और वहाँ दूरभाष से वार्ता नहीं हो पा रही है। और जो अभी तक की वहाँ स्थिति है, 2 घायल थे, दोनों को हेलीकॉप्टर से धारचूला ले आए हैं और वो सामान्य घायल है, कोई गंभीर घायल नहीं है। गांव में स्थिति जो जामनी तोक और सिरोडा तोक है वहाँ स्थिति खराब है, पूरे दोनों तोकों को शिफ्ट करके दूसरे गाँव में, स्कूल में और अन्य घरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, एसएसबी वहाँ मौके पर उपलब्ध है और वो सब रेस्क्यू कर रही है। जैसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उनके भी बॉडी को रिकवर कर लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ जो हमारा प्रभावितों को और जो राहत का जो पैकेज होगा वो हम शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक 5 डेडवेट मिल गई है, प्रत्येक परिवार को मृतक को 4 लाख रुपये दिए जाने हैं, वो कल एसडीएम धारचूला और तहसीलदार धारचूला उनको उपलब्ध करा देंगे। जिलाधिकारी महोदय भी उधर ही है और अन्य जो भी क्षति होगी, पशुओं को भी सुनने में आ रहा है कि दब गए हैं या बह गए हैं, उनको भी मानकर अनुसार राहत सामग्री दी जाएगी।